अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर ट्रेनिंग सेशन ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम बाय एमएस समाक। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन अफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, इसके अंदर हम कुछ टेक्निक्स को, कुछ फंडामेंटल्स और कुछ हम लोग तरीकों को, रास्तों को समझेंगे जिससे हम लोग अपनी अफिलिएट मार्केटिंग के बिज़नेस के अंदर बेहतरीन और ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर के अंदर हम लोग ओवरऑल सिर्फ एक बिज़नेस मॉडल को लेकर डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों के ऊपर और किन किन पॉइंट्स को देख कर हम लोग इन चीज़ों को एक अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं। तो ये काफ़ी, जिसे कहते हैं, एक टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जिसको आप देखेंगे और फॉलोअप करके आप लोग एक अच्छा बिज़नेस को स्टैंड आउट कर लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद दैट एंड वी आर स्टार्टिंग इट। और उम्मीद है आपको अच्छा सेशन भी पसंद आएगा। तो वी आर गेटिंग इनटू इट राइट अवे। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन रेफर टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग एफर्ट टू मैक्सिमाइज द डिजायर्ड एक्शन टेकन बाय द ऑडियंस सच एज क्लिक, साइन अप, परचेस। इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग various strategies and the best practices to increase the conversion rate. What is the percentage of visitor has completed desired action out of the total number of visitors? Conversion optimization play a critical role in enhancing the overall performance of affiliate marketing campaigns as it directly impacts on the revenue generated and the return on investment ROI for both affiliate and the merchants. Okay, conversion aapki optimization ka main definition ko ab hum log thoda sa samajh lete hain. कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो हम लोग कोशिश करते हैं जिससे हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग के बिज़नेस से एक मैक्सिमम आउटपुट निकाल लें। मैक्सिमम आउटपुट क्या निकाल लें, उसके अंदर अगर हम लोगों ने मल्टीपल चीज़ों से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, हमने सेल्स का आउटपुट निकालना है, हम लोग चाह रहे हैं कि कोई बंदा हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करके साइन अप कर ले, वो भी हो सकता है, हम लोग कितने ज़्यादा उस पोस्ट पर क्लिक चाह रहे हैं, तीनों चीज़ें ही हमें चाहिए। साइनअप्स चाहिए हमें न्यूज़लेटर, ईमेल मार्केटिंग के लिए क्लिक्स चाहिए हमें अपनी सीटीआर के लिए, क्लिक थ्रू रेट अच्छा करने के लिए, और परचेजेस तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि वही हमारा बिज़नेस इन्वॉल्व कर रहा होता है। अब इसके अंदर ना डिफरेंट किस्म के प्रैक्टिसेस और तरीके होते हैं जिससे हम बेहतर करके अपनी कन्वर्जन रेट बना लेते हैं। कन्वर्जन रेट क्या होता है, कितने लोगों ने क्लिक किया और क्लिक करने में से कितने लोगों ने बाय कर लिया। वही एग्जांपल, 100 लोगों ने क्लिक किया, 20 लोगों ने बाय किया, 20% कन्वर्जन रेट हो गया। और इसके अंदर हम लोग इसलिए ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, और ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना कन्वर्जन की ऑप्टिमाइजेशन का, वो इसलिए बिजनेस पे पड़ रहा था, उससे हमारी ROI अच्छी निकल रही थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने बॉडी एक कुछ अभी पिछले टॉपिक्स के अंदर, मेरे ख्याल से प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, इसके अंदर डिस्कस किया था कि अगर आप फेसबुक एड्स के ऊपर करेंगे तो उसका आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा। 1000 रुपये अगर आप लोग एड्स पे लगा रहे हैं और उस एड्स के ऊपर आपने 1000 रुपये के एड्स पे 20 प्रोडक्ट्स बेच रहे, तो वो 1000 रुपया 20 प्रोडक्ट्स पे डिवाइड हो जाएगा और आपको एक अच्छी ROI मिल जाएगी। यानी कि 1000 रुपये के प्रोडक्ट ने आपको लेट्स सपोज 20,000 रुपये का रिव्यू दे दिया, तो ये एक ROI नज़र आ रही होती है। एग्जाम्पल, और ये अफिलिएट और मर्चेंट्स दोनों के लिए। मर्चेंट वो होता है जिसकी प्रोडक्ट या पब्लिशर वो होता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमने रोल प्ले जो इसके अंदर कौन कौन बंदा रोल्स इसके अंदर प्ले कर रहा होता है अफिलिएट मार्केटिंग में। तो मर्चेंट जो ऑनर होता है और जो मैन्युफैक्चरर होता है, उससे हम अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मर्चेंट्स कह रहे होते हैं। एनालाइजिंग अफिलिएट मार्केटिंग मैट्रिक्स। एनालाइजिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग मैट्रिक्स इन्वॉल्व ट्रैकिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs टू गेन वैल्यूएबल इंसाइट्स into the performance of affiliate marketing campaigns. Some essential metrics include click-through rate, CTR, which measure the percentage of users who click on the affiliate link out of the total number of users who view it, the conversion rate, which represent the percentage of the visitor who complete the desired action such as make a purchase, and click earnings per click, EPC, which calculates the average revenue generated per click, the average order value, AOV, which indicates the average amount spent per transaction, the return on investment, ROI, which evaluates the profitability of the affiliate marketing effort. By analyzing these metrics, affiliate marketers can identify the area for improvement, measure the effectiveness of their campaign, and make data-driven decision of to
टू ऑप्टिमाइज देयर स्ट्रेटजीज। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा जो है मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन्ड है और काफ़ी ज़्यादा की पॉइंट्स और मैट्रिक्स हैं, नोट डाउन कर लें। हमने कुछ डिस्कस भी किया, कुछ आपने नई चीज़ें भी सुनी होंगी, वो बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने क्या चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, एनालाइज करना होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, आपकी सबसे टॉप पे जो नंबर वन स्टेप आता है वो आता है CTR का। CTR मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। CTR क्या होता है कि कितने लोगों ने देखी आपकी पोस्ट और कितने लोगों ने क्लिक की, दैट इज़ CTR। अब आ जाता है जो कन्वर्जन रेट मैंने आपको बताया था, जिसमें 100 में से 20 लोगों ने परचेज कर लिया, दैट इज़ EPC। ये CTR के ऊपर निकलती है। अब कितने, अब लेट एग्जांपल 10,000 लोगों ने देखा, 5,000 लोगों ने क्लिक कर लिया, अब 50% निकला है आपका CTR रेट। अब 5,000 लोगों ने जो क्लिक किया उनमें से बाय कितने लोगों ने किया, ठीक है, 5,000 लोगों ने देखा, 5,000 लोगों ने क्लिक करके देख लिया, अब 5,000 में से अगर 1,000 लोगों ने बाय कर लिया, नाउ दैट इज़ योर EPC, अर्निंग्स पर क्लिक। कितने लोगों उनमें से बाय करके परचेज करके चले गए, दैट इज़ EPC, और EPC आपकी बनी 20%, 5,000 पे 1,000 लोगों ने देखा, विच इज़ आपके हर रेवेन्यू एक क्लिक के ऊपर जनरेट होके निकलती है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, आपके एक ऑर्डर पे, अब एग्जांपल नहीं है, अब ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जो आया वो आपसे एक ही प्रोडक्ट खरीद के, जब आपने उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर दिया तो वो मल्टीपल चीज़ें भी बाय कर सकता है, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकता है बाय, ठीक है। तो कितनी मिकदार पे जब वो उसको परचेज़ कर रहा था, तो फिर हम लोग उससे निकालते हैं AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो होती है वो हमारी कितनी, एक ट्रांजैक्शन में कितनी अमाउंट की परचेज हुई है वो हमारी मैटर कर रही होती है AOV, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जो होती है। वो मैंने आपको पहले बताया, अगर आप लोग 1,000 रुपये के एड स्पेंड करते हो तो आपको उसके ऊपर कितना रिटर्न आता है, या आप जो एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, आप टाइम पुट कर रहे थे, आप उसका भी ROI निकाल देते हैं कि यार मेरा रिटर्न टाइम भी एक आपका वैल्यू होती है, उसके पैसे होते हैं टाइम के भी, तो आप अपने टाइम की वैल्यू निकाल देते हैं, यार मैंने अगर 5 घंटे अपनी अपना पोस्टिंग की और 5 घंटे पोस्टिंग करने के बाद मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो आप एक अच्छा एक रेवेन्यू का अंदाज़ा निकाल सकते हैं। अब ये कुछ डेटाज होते हैं जिसके ऊपर आप अपना एनालाइज करके ऑप्टिमाइजेशन को देखते हैं। ऑप्टिमाइजिंग अफिलिएट लैंडिंग पेजेस इन्वॉल्व द रिफाइनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ द डेस्टिनेशन पेजेस वेयर द यूजर अराइव आफ्टर क्लिकिंग ऑन अफिलिएट लिंक। द प्राइमरी गोल ऑफ लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन टू एनहांस द कन्वर्जन रेट बाय क्रिएटिंग सीमलेस एंड पर्सुएसिव यूजर एक्सपीरियंस। Key element to optimize on landing pages include compelling headlines that immediately capture attention, clear and compelling call to action CTAs and that encourage user to take desired action, persuasive and relevant copy that communicate the value of affiliate offer, eye-catching visual that complement the message and user-friendly layout that facilitate easy navigation. A/B testing also crucial technique used in landing pages optimization, allowing affiliate marketer to experience what different variation to identify the most effective element to drive higher conversions. Optimization का जो landing pages की optimization होती है उसका क्या उसमें involvement होती है, उसके अंदर आप लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर आप लोग अपनी जो website होती है, अब affiliate website भी आप लोग बना सकते हैं या आप लोग अपना Facebook page भी बना सकते हैं। अब जो लैंडिंग पेजेस होते हैं या तो वो वेब यूजली वो वेबसाइट्स के होते हैं, बट आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं, कोशिश करें। अब उसके अंदर आप लोग जब अपनी रिफाइनमेंट और उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे आएंगे, तो आप लोगों ने कोशिश करना जो आपकी पेज होगा इंस्टाग्राम का, फेसबुक का या पिंटरेस्ट का, जो आपका अकाउंट होगा, अगर आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे आएंगे तो आप लोगों ने कोशिश करना कि आपकी जो DP होगी, डिस्प्ले पिक्चर होगी आपके पेज की, वो अच्छी होनी चाहिए, आपके पेज की डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, आपके पेज पे जब बंदा कोई एंड हो तो उसकी फीचर्ड पोस्ट, उसकी ओपनिंग पोस्ट एक अच्छी लगी होनी चाहिए, आप लोगों ने कोई फजूल इररेलेवेंट पोस्ट ना शेयर की हो उसके ऊपर, एक प्रॉपर डेटाबेस आपकी आई हो और लोग उसके ऊपर आके अपनी पोस्टिंग ना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि लोग कर लेते हैं। आप फेसबुक पे आएँ और आपको इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर तो नहीं होता, फेसबुक के ऊपर आके कोई भी बंदा आपके पेज पे आके विश कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, कोशिश करेंगे वो रिफाइंड हो, अच्छे हो, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर एक सीमलेस एक्सपीरियंस दे रहे हो। अब अगर आप वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट के तो टोटली डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़र और पिंटरेस्ट जो है, जितने भी प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी यूज़र फ्रेंडली हैं, टिकटॉक भी हो गया। इसके अलावा जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके अंदर आपको पूरी वेबसाइट की रिफाइनमेंट करनी होती है, आपने उसकी
हेडलाइंस, ट्यूनिंग, आपने उसके जो पेजेस होते हैं बड़े सीमलेस बनाने होते हैं, उसका एक यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा आपने एक फ्रेंडली बनाना होता है कि लोग उसको यूज़ करते हुए इंजॉय करें, उस पर ज़्यादा देर टिके रहें। उसके बाद आपने जो कैप्शंस देनी है, हेडलाइंस देनी है, वो बड़ी आई कैचिंग होनी चाहिए, अटेंशन क्लियर होनी चाहिए उसमें। और CTS जो होता है, कॉल टू एक्शन बटन, यानी कि बाय नाउ, लर्न मोर, और मल्टीपल उसके अंदर इन्वॉल्व करने के जो बटन्स होते हैं, वो आपने कॉल टू एक्शन के जो बटन होते हैं जो हाईलाइट हुए थे, जैसे आपने देखा था एक प्रोडक्ट का लिंक था वो हाईलाइट हुआ था, मैंने उसको क्लिक किया तो सीधा प्रोडक्ट पर ले गया था, आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस लेक्चर में मैंने बताया था। तो उसी तरह का आप लोगों ने ना कॉल टू एक्शन बटन भी अच्छे बनाने हैं, वो आपका इनकरेज करें, जो भी आपका ऑडियंस या बंदा कस्टमर के पेज पे लैंड कर रहा हो या वेबसाइट पे लैंड कर रहा हो, तो वो अपनी मर्ज़ी के उस ऑप्शन को क्लिक कर ले जो आपको अच्छे लगे। आपने विजुअल इफेक्ट्स बड़े अच्छे देने हैं, बैनर्स बड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए, ज़्यादा गंद वगैरह ना बना हो वेबसाइट पे, यानी कि भरी भी ना हो किसी ज़्यादा डाटा बेस से, इधर भी डाटा, इधर भी डाटा, इधर भी डाटा, कोशिश करनी है बड़ी फ्रेंडली और बड़ी आपने ना डी क्लटर्ड किस्म की वेबसाइट बनानी है। अब डी क्लटर्ड जो वेबसाइट होगी ना, वो उतनी ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स निकाल के दे रही होगी। तो ये कोशिश आप लोगों ने कर लेनी है कि एक अच्छा लैंडिंग पेज बनाने के अंदर ये कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। यूज़र लेआउट्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, ये भी आप लोगों ने नोट ऑन कर लेने के, ये अच्छा से अच्छा भी हो सकता है। क्राफ्टिंग कंपेलिंग कॉल टू एक्शन CDA। क्राफ्टिंग कंपेलिंग कॉल टू एक्शन CDA इन्वॉल्व द क्रिएटिंग पर्सुएसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड मैसेजेस दैट प्रॉम्प्ट यूजर टू टेक डिजायर्ड एक्शन। इफेक्टिव CDA यूज पर्सुएसिव लैंग्वेज दैट एनकरेज यूजर टू एंगेज विद द फिलर ऑफर एंड मेक द डिजायर कन्वर्जन। टेक्निक्स सच एज इनकॉर्पोरेटिंग एजेंसी एंड स्कर्सिटी, ऑफरिंग एक्सक्लूसिव डील्स एंड और एक्सक्लूसिव डील्स और लिमिटेड टाइम ऑफर, हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ फिलर प्रोडक्ट और सर्विस कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द कन्वर्जन रेट। CDS शुड बी स्ट्रेटेजिकली प्लेस एंड डिजाइन टू स्टैंड आउट ऑन द लैंडिंग पेज, गाइडिंग यूजर्स टूवर्ड्स टू द डिजायर्ड एक्शन एंड क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ एजेंसी टू एक्ट इमीडिएटली। ओके, तो अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा, आपको मैंने जिस तरह बताया इसको, मैं अगर आपको थोड़ा आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करूँ, क्राफ्टिंग कंपेलिंग कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है। कॉल टू एक्शन बटन वो होता है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जिसके ऊपर आप कोई भी एक्शन फ्रीक्वेंटली और राइट वे लेने की ट्राई करते हैं। किस तरह आप लोग ट्राई करते हैं, मैंने आप लोगों का जैसे कि बताया कि आप लोग जो भी बटन होता है बाय नाउ, लर्न मोर और रीड आउट मोर प्रोडक्ट्स, वो होते हैं CTA, या आपने जिनको मेंशन करके अंदर आप लोगों ने एफिलिएट लिंक लगाया तो उसे CTA कहते होते हैं, ठीक है। वो जो आपने लगाने हैं वो आप लोगों ने थोड़े अच्छे लगाने हैं, अच्छे इस तरह लगाने हैं, अपीलिंग लगाने हैं, जिसके ऊपर आप एक्सक्लूसिव डील लिख सकते हैं, यानी कि लिखे हैं टॉप सेलिंग प्रोडक्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म राइट नाउ, 24 सेलिंग हॉट सेलिंग प्रोडक्ट का ऊपर आप एक CTA बटन लगा लें, लोग क्लिक करें सीधा आपकी लैंडिंग पेज पर मौजूद जो आपकी प्रोडक्ट्स होंगी अच्छी बिक्री होंगी, ठीक है। आप लोगों ने उसके ऊपर एजेंसीज, आप लोगों ने इस तरह शो करना है कि यार अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा आपका टाइम लगे, किसी आपने फ्लैश सेल का शो करना है, बैनर लगाना, आपने फेसबुक ऐड नहीं देखे होते कि लोगों ने घड़ियों के ऐड लगाया था, कपड़ों के ऐड लगाया था कि बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है ये है वो है ब्ला 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 लाइक दिस। आप लोगों ने इस तरह की ना अच्छी टैगलाइन को यूज़ करना है, कन्वर्जन लोगों की साइकोलॉजी से खेलना है। किस तरह खेलना है, आसान तरीका है, आप देखें आप किस तरह खेले जा रहे हैं, आप देखें कि यार मैं किस चीज़ पे अपील हो रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ अपील कर रही है इट्स मीन कि वो चीज़ उसको भी अपील करेगी। मसला से भी इतना कि आप लोगों ने डेडिकेटेड ऑडियंस को हिट मारना है, हो जाएगा, सिंपल सा सोल्यूशन है इसके अंदर। Utilizing exit intent pop-out. Exit intent pop-out overlay they appear when a user about to leave a website presenting a last minute message or offer to encourage them to reconsider and take the specific action. Exit intent pop-out are valuable tool in reducing the cart abandonment, capturing email addresses for the future marketing effort or offering enticing incentive to entice users to stay or return at a later time. When used correctly, exact intent pop-out can significantly impact the conversion rate by providing user additional value or benefit that may persuade them to remain engaged. अच्छा जी, exit intent pay out क्या होता है? आप लोग जब किसी वेबसाइट को क्लोज करने लगे तो उसके ऊपर आपको एक पॉपआउट बना जाता है, ये एक आप वेबसाइट के ऊपर ही लगा सकते हैं कि जब भी आप वेबसाइट क्लोज करने लगे तो आपको एक अच्छा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, आर यू श्योर दैट यू वांट टू एग्जिट अवर वेबसाइट बिकॉज द ऑफर यू आर गेटिंग फ्रॉम अस दैट इज स्पेसिफिकली लास्ट लॉन्ग फॉर 24 आवर्स। मतलब आप उसको ये बोलेंगे भाई अगर आप वाकई हमारी वेबसाइट विजिट करना चाह रहे हैं, अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आप ये बोलें कि भाई अगर आपने वेबसाइट विजिट कर ली, जो ऑफर आप अभी देख रहे हैं ये 24 घंटे के लिए, बाद में इसकी प्राइस
$50 से $200 पे चली जाएगी, इतनी ज़्यादा हाई शॉर्टेज है, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, और अगर आप अभी परचेज करेंगे तो शायद आपको मज़ीद ऑफ मिलेगा, वो कर लेता। या फिर आप लोग वही ईमेल मार्केटिंग का कर दें कि आप ईमेल मार्केटिंग के लिए सब्सक्राइब करें एंड गेट 5% ऑफ, इतने परसेंट ऑफ वो आप कह दें, आप जब उसकी करेंगे ना अप टू का वर्ड लगा दें, अप टू लगा देंगे तो आप उसको डिप्लोमेटिकली कन्वर्ट कर लेंगे, आप उसको इंगेज कर लेंगे कि भाई तू एग्जिट ना हो। और ये जो तरीका है ये वाकई बहुत इफ़ेक्टिव है लोगों को मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के अंदर क्लोज और इंगेज करने के लिए काम आता है। जब आप ये बोलते हैं ना तो कस्टमर एंड एंड टाइम पे भी अपना डिसीजन चेंज कर लेता है, अगर वो आपकी वेबसाइट से या आपके फेसबुक पेज से एग्जिट हो रहा होता है किसी भी लैंडिंग पेज से, जब आप उसको ये एक इंटेंट पॉप आउट मैसेज दे रहे होते हैं, या फिर आप एग्जिट इंटेंट पॉप आउट ना दें, आप एंट्रेंस या उसका बैनर इस तरह का लगाएं भाई लास्ट सेल फ्यू प्रोडक्ट्स और फ्यू पीसेज लेफ्ट, आप इस तरह की कुछ इस तरह की आई कैचिंग और स्कैसिटी वाली लाइन लगा, स्कैसिटी तो आप उसके दिल में नहीं किसी का डर बना देंगे यार अगर तूने अभी ना लिया तो भाई बहुत नुकसान हो सकता है। इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो इसके अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, ये एक छोटी सी चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस रखनी है कि आप इसको जब इस तरह लेके चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रह जाएगा, ये चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है जब आप अपना एग्जिट एंड पॉप आउट्स बना रहे हो। इम्प्लीमेंटिंग पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन इन्वॉल्व टेलरिंग द फील्ड मार्केटिंग एक्सपीरियंस टू द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस इंटरेस्ट और बिहेवियर ऑफ यूजर बाय डिलीवरिंग पर्सनलाइज कंटेंट एंड रिकमेंडेशन। एफिलिएट मार्केटिंग कैन क्रिएट अ मोर रेलेवेंट एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस लीडिंग टू इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन। ठीक है, पर्सनलाइजेशन टेक्निक्स इंक्लूड डायनामिकली डिस्प्लेइंग कंटेंट ऑन बेस्ड ऑन यूजर बिहेवियर, प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन प्रीवियस इंट्रैक्शन एंड सेंडिंग पर्सनलाइज ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स। Personalization not only enhances the user experience but also fosters a sense of connection and relevance which can positively impact the conversion rate. अब personalization क्या होता है? Personalization आपके affiliate marketing के business में एक ऐसा होता है जो हर individual के उसके preferences और उसके interest के related आप उसको deliver कर रहे हो। आप personalized content क्या होता है, example दे देता हूँ कि अगर कोई ऑडियंस, ये ना आपका प्लेटफॉर्म बेस काम करेगा, सोशल मीडिया के अंदर अगर आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म बनाए हुए तो आप हर प्लेटफॉर्म के अंदर एक पर्सनलाइज कंटेंट बना सकते हैं। आपने एक स्पेसिफिक कैंपेन रन कर ली, कैंपेन वो होती है कि आपने एक प्रोडक्ट लगाई अफिलिएट मार्केटिंग की, अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आपने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट लगाई, वो एक प्रोडक्ट और वो एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो आप अफिलिएट कर रहे होंगे उसे कैंपेन कहेंगे। अब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कर रहे होंगे तो उसको हम मल्टीपल कैंपेन्स कहेंगे। तो आप उसको हर तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हैं और आप उसको यूज़र बिहेवियर के हिसाब से उसको दिखाएं। एग्जांपल है, ये भी आपका सिंपल सा लग जाता है, अगर एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, और आपके पेज पे आता है, आप इसके अंदर एक फिल्टर लग जाता है कि शो देयर पर्सनलाइज कंटेंट अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर, ये हर पेज के ऊपर आपको दिख जाएगा, या आप उसको उसकी मतलब का, क्योंकि आपकी ऑडियंस, या तो ये तरीका होता है कि आप उसको पर्सनलाइज कंटेंट दिखाने लग जाए, या फिर आपकी डेडिकेटेड ऑडियंस ही ऐसी हो कि आप उसको उसकी मतलब का कंटेंट दिखाएं, इसके ऊपर आपकी पर्सनलाइज कैंपेन्स चल सकती हैं। या ये तरीका है, या दूसरा तरीका आ जाता है आपका ईमेल मार्केटिंग का, जो मेरे ख्याल से इसमें सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कि आपको सब्सक्राइबर लिस्ट आपने बना ली, उसके अंदर से आपने फिल्टर आउट कर लिया कि हर बंदे का क्या पर्सनल इंटरेस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यार अगर एक बंदा होम एंड किचन की प्रोडक्ट में रिलेटेड में इंटरेस्टेड है तो आप उसको हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट ना भेजें, आप उसको उसकी पर्सनलाइज होम एंड किचन की प्रोडक्ट दिखाएं जिसमें वो इंटरेस्टेड है। इससे आपकी सेल्स का कन्वर्जन भी अच्छा निकलेगा, बिकॉज आपको पता होगा यार ये इसी डेडिकेटेड नीश का बंदा है, मुझे इसके अलावा इसको कोई और नीश की प्रोडक्ट नहीं दिखानी। ठीक हो गया जी, अगले के ऊपर आए हम। अगला टॉपिक है ऑप्टिमाइजिंग मोबाइल एक्सपीरियंस। ऑप्टिमाइजिंग द मोबाइल एक्सपीरियंस इन एफिलिएट मार्केटिंग इन्वॉल्व द इश्योरिंग द ऑल एस्पेक्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट इंक्लूडिंग लैंडिंग पेजेस प्रमोशनल मटेरियल आर फुली ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस। व्हाट आर द मेजर इंटरेस्ट मेजोरिटी व्हेन द विद द मेजोरिटी ऑफ इंटरनेट यूजर एक्सेसिंग द कंटेंट थ्रू द स्मार्टफोन एंड टैबलेट अ सिमिलर यूजर फ्रेंडली मोबाइल एक्सपीरियंस इज क्रिटिकल फॉर ड्राइविंग कन्वर्जन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट द लेआउट एंड कंटेंट फिट टू द various screen sizes is crucial to ensure that users can navigate and interact with the content effectively effortlessly on any device. Sorry, mobile specific strategies such as implementing click to call button to encourage direct communication, offering mobile exclusive discount,
कैन फर्दर इन्हांस मोबाइल एक्सपीरियंस एंड ड्राइविंग कन्वर्जन ऑन मोबाइल डिवाइसेस। अच्छा जी, मोबाइल एक्सपीरियंस भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो आपका इंटरनेट की कंजम्पशन मेरे हिसाब से जो जा रही है, और मेरे क्या इंटरनेशनली आपका जो सर्वे हुआ वो उसमें 72% आपकी 70% से ज़्यादा की कन्वर्जन लोग अपने स्मार्टफोन से कर रहे हैं। आप लोग भी अपने स्मार्टफोन से ही करेंगे काम, आप लोग खुद भी चाहते हैं हर बंदे के लिए एक इजी टू एक्सेस है स्मार्टफोन, फ्रेंडली है कैरी करना, आपको हर जगह बैठे इसकी एक्सेस होती है। आपने जो भी कंटेंट बनाना है, रील्स हो गई, रील्स आप वर्टिकल बनाते हैं, क्यों? वो मोबाइल ओरिएंटेड होती हैं। आपने अपने बैनर्स बनाने हैं, वो वर्टिकल बनाने हैं, पिंस बनाने हैं, वर्टिकल बनानी, सारी चीज़ें आपकी मोबाइल ओरिएंटेड, उनके कि यार ये मोबाइल पे देखे जाने के लिए आसानी दें, ना कि आप मोबाइल पे देखना इसका मुश्किल हो। और आपने मोबाइल के ऊपर के लैदा बैनर बनाने के, आपको पता होता है कि जो बंदा मोबाइल से एक्सेस करेगा उसको हम लोग डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको कम्युनिकेशन दे सकते हैं कि कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट अस थ्रू और लाइव चैट सपोर्ट, ये मोबाइल के ऊपर चीज़ें आप ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जब ये चीज़ें आप ऑफ़र कर रहे होंगे तो ये मोबाइल एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाएगा, और जो लोग मोबाइल से उसको यूज़ करेंगे वो और अच्छे तरीके से उसको बाय करेंगे। वेबसाइट भी आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि मोबाइल ओरिएंटेड बनाए, और उसके जो बैनर और हेडिंग हो वो मोबाइल से रिलेटेड हो, उसके कॉल टू एक्शन बटन मोबाइल से रिलेटेड हो, ताकि आप लोगों के जितने भी यूज़र्स मोबाइल के हैं, जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, वो इसको ईजीली कन्वर्ट करके यूज़ कर लें। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स यूजर कॉन्फिडेंट एंड विलिंगनेस टू कन्वर्ट। ट्रांसपेरेंसी इज द पैरामाउंट इन एफिलिएट मार्केटिंग, एंड ओपनली डिस्क्लोजिंग एफिलिएट रिलेशनशिप हेल्प्स टू मेंटेन ट्रस्ट विद द ऑडियंस, डिस्प्लेइंग कस्टमर रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स एंड एंडोर्समेंट फ्रॉम सिस्टम सेटिस्फाइड कस्टमर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट कैन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। बाय शोकेसिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस and social proof, affiliate marketing can address potential concern and objections that users may have and establish themselves as a reliable and authoritative sources within their niche. Okay, building trust and credibility, iska jo isme main iske andar aapne matlab kya ki aap logo ne apni audience aur apne customer ka jo bhi aapka jo ऑडियंस होगा, जो आपके जो इतने भी कस्टमर्स की जो एक इंगेजमेंट है, उसके आप लोगों ने एक अच्छी क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड हो सकता है? आप लोग जो प्रोडक्ट की कमिटमेंट कर रहे हैं वही प्रोडक्ट आप दें, आप प्रोडक्ट में जो जो चीज़ें मेंशन करें और ऑन रियलिटी बेस वो आप लोग दें, ठीक है। आप लोग जो मार्केटिंग करते हुए जो आप लोग चीज़ें कह रहे होंगे कि यार कुछ जगह पे आप लोग कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली आप सेल लगाएं, देखिए उसमें आप लोग कह रहे हैं कि जल्दी खरीद ले, उसमें आप लोगों ने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं कुछ करना। मार्केटिंग टेक्निक्स में ग्रैब करना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, प्रोडक्ट के बारे में गलत डिस्क्रिप्शन देना इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी हमेशा तब डेवलप होती है जब आप प्रोडक्ट की सही डेफिनेशन दें, उस प्रोडक्ट के मुतालिक आप लोगों को सही आगाह करें, ठीक है। उसके बाद आपसे जो लोग ख़रीदें, आप उन लोगों के अपने पेज या अपनी वेबसाइट पे उनसे कहें कि प्लीज़ पोस्ट अ रिव्यू अबाउट आवर सर्विसेज, अबाउट आवर फीडबैक अबाउट द प्रोडक्ट वी हैव जस्ट सोल्ड यू विद आवर रेफरल। उससे भी आपका एक अच्छा रेफरल और एक अच्छी कस्टमर रिव्यू बेस बन जाएगा। सोशल प्रूफ में सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, ऑलरेडी आपका सोशल प्रूफ होगा, तो वेबसाइट के अलावा आपकी अगर वेबसाइट भी होगी और सोशल मीडिया मार्केटिंग के आपके पेजेस भी होंगे, कोशिश करना है कि आपने उनको इंटरलिंक रखना है। आपने वेबसाइट पे सोशल मीडिया की मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया पे वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है, सो दैट्स गोना मेक यू अ गुड इकोसिस्टम ऑफ योर एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेसेस। Streamlining checkout and conversion process. Streamlining the checkout and conversion process involves removing any unnecessary steps or friction points that may hinder users from completing the desired action. Simplifying the checkout process can be achieved through various techniques such as offering one-click checkout option for returning customer, providing guest checkout options to minimize barrier for first-time user, and ensuring a secure, user-friendly payment method. Payment process as smooth and seamless conversion process enhances user satisfaction and reduces the likelihood of cart abandonment, leading to their higher conversion rate and increase the revenue of affiliate marketers. आप लोगों ने जो भी चेकआउट वेबसाइट पे लगानी है ना, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यार वो वन पेज पे हो। कैसे वन पेज पे हो? आप जब अफिलिएट मार्केटिंग का अपना पेज बनाएंगे ना,
जिस पे भी आप लोग बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप लोगों ने कोशिश करना है कि वो उसमें आप लोग किसी का डाटा ना लें, उसमें कोई बीच के हर्डल ना होना। कोशिश करेंगे जिस बंदे ने आपके प्रोडक्ट पे बाय नाउ पे क्लिक किया, स्ट्रेट अवे वो उस प्रोडक्ट के बाइंग पेज पे लैंड करे। आप लोगों ने इस तरह की CTS लगा लेने, कॉल टू एक्शन बटन्स, जिस पे वो बंदा उस प्रोडक्ट को अगर इंटरेस्टेड है उस पे क्लिक करे, स्ट्रेट अवे वो बाइंग पेज पे पहुंचे। जब वो बाइंग पेज पे पहुंचेगा ना, तो उसका क्या सीन होगा कि वो उसको बहुत ही जल्दी और उसका परचेज डिसीजन जो है ना, वो जो बीच में डगमगा रहा होगा वो नहीं होगा। ये चीज़ें उसको एक अच्छा और पक्का बंदा बनाने के लिए आपका एक इन्फॉर्म्ड और इसे कहते हैं कन्फर्म परचेज में हेल्प देता है। तो आपने ये चीज़ों को गौर करना है। लेवरेजिंग सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना दैट रेफर टू द पीपल टेंडेंसी टू फॉलो द एक्शन और बिहेवियर टू ऑफ अदर व्हेन दे आर अनसर्टेन अबाउट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। In the context of affiliate marketing, leveraging social proof involves the showcasing positive feedback, user review, ratings, testimonial from certified customer to influence potential buyer positively. Social proof reinforces the credibility and reliability of the affiliate product or service, fostering the trust and encouraging conversion. By displaying social proof strategically landing pages and promotional material, affiliate marketer can create a compelling case for user to engage with other affiliate offer. अच्छा जी, सोशल प्रूफ बड़ा मैटर कर रहा होता है साइकोलॉजिकली। आप लोग भी देखते हैं कोई वेबसाइट, और लेट्स सपोज अगर आप किसी जगह से परचेस कर रहे हो और आप देखो ना कि यार उस बंदे के फेसबुक पे भी अकाउंट है, ये सोशल प्रूफ आप लोगों ने तब ज़्यादा फोकस देना है जब आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो। आपका जब वैसे सोशल प्रूफ होगा तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग दूसरे किस्म की एक सोशल मीडिया बेस्ड अफिलिएट मार्केटिंग होगी। जब आप एक अफिलिएट मार्केटिंग का प्योर बिजनेस मॉडल चलाएंगे तो वो वेबसाइट बेस्ड ही होता है। उसमें क्या होता है कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आप लोग उसके अंदर अपना सोशल मीडिया प्रूफ दे रहे होते हैं, जो लोगों ने आपके पेजेस पे आकर रिव्यू दिए होते हैं, आपको फीडबैक दिया होता है, आप उन चीज़ों को भी यूज़ कर रहे होते हो कि यार ये हमारा फीडबैक आया है, लोग उससे और ट्रस्ट लेवल को बिल्ड करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी बनती है, लोग उसके ऊपर फिर ज़्यादा अपना ट्रस्ट लेवल को मेंटेन रखे आगे को बढ़ते हैं। और आपकी मार्केटिंग का जो अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस होता है उसकी एक वेल राउंड रिकॉग्निशन भी होती है और लोग उस पर फिर ज़्यादा से ज़्यादा आके परचेजिंग करते हैं। In the conclusion, conversion optimization is a fundamental aspect of affiliate marketing that empowers marketers to improve the performance of their campaign, achieve the better result. By employing techniques and best practices discussed in this lecture, affiliate marketers can enhance the conversion rate, increase revenue, and create one more engaging, persuasive user experience for their audience. Continuous monitoring, analysis, and optimization are essential to keep refining affiliate marketing strategies for optimal performance and success. Achaji, इन द एंड मैं आपको इसके अंदर यही चीज़ एक्सप्लेन हो रही है और मैं बताना भी चाहूँगा कि भाई ऑप्टिमाइजेशन, अपनी बिजनेस को अप टू डेट रखना, ऑप्टिमाइज रखना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस को टाइम फ्रेम और उसको वक्त के साथ साथ अपडेट करते जाएं। जिस तरह आपके फ़ोन की अपडेट आती है उसको बेहतर रखने के लिए हर दफ़ा मार्केट में ट्रेंड आता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज आती हैं, तो आपने उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते ही रहना है। ये चीज़ें आपके रेवेन्यू को भी देता है और एक हर बिजनेस मॉडल में यूज़ होता है, नॉट ओनली इन दिस बिजनेस मॉडल। बट मैंने आपको बताया कि इसको आप किस तरह कर सकते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो चीज़ें आपको मैंने इसमें बताई कि आप अपना बिजनेस को ऑप्टिमाइज किस तरह कर सकते हैं, कैसे बेहतर से बेहतर मजीद मुफीद बना सकते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर आपको मैंने एक्सप्लेन की हैं। और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आपको इस चीज़ का समझ भी आ गई होगा कि ऑप्टिमाइजेशन का कितना ज़्यादा रोल है। आप अपने आम बिजनेस के अंदर जिस तरह, मैं एक आसान अल्फाज में बताऊँ, जिस तरह आप लोग अपनी दुकान की सफाई करते हैं, जो दुकानदार बंदा होता है वो अपनी दुकान की सफाई करता है, शेल्स पर रखी हुई चीज़ों को रीअरेंज करता है, उनको साफ़ करके अच्छी जगह लगाता है, जिसको पता है जो चीज़ें ज़्यादा बिकने वाली होती हैं वो उनको और आगे ला के लगाता है, जो चीज़ें नहीं बिक रही होती हैं उनको क्यों नहीं बिक रही होती हैं उनको साफ़ सुथरा करके उनको दूसरे तरीके से दूसरी शेल्फ पे और अच्छा करके आगे करके लगाता है तो वो पता लग जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, वो एक फिज़िकल ऑप्टिमाइजेशन होती है। ऑनलाइन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप आज का सेशन आपको समझ भी आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। और हम लोग काफ़ी हद तक अपने एफिलिएट मार्केटिंग के बिज़नेस को कंप्लीट कर चुके हैं। थिंक्स हमारा एक लास्ट लेक्चर रह गया जिसके अंदर हम लोग और अच्छी फंडामेंटल्स और स्ट्रेटजीज को समझ के अपने इस पूरे कोर्स को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेंगे। मेरे ख्याल से दैट्स प्रीटी मच इट, और यहाँ पे आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, ठीक है, और उसमें हम आपकी चीज़ों को स्टडी करेंगे और उसके बाद आपका Q&A सेशंस वगैरह भी होंगे, उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल, और खुशबाश रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, ख्याल रखें अपने आप को। शबा खैर, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।